नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वच्छ भारत। इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं तपस्या, करती हूं सभी का हार्दिक अभिनंदन। निता फाजली का एक बहुत ही क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है, आती सांस को पाना, जाती सांस को खोना है। यह तो बड़ी सरल सी बात लगती है, क्योंकि हम सब जब तक जीवित हैं सांस का महत्व नहीं समझते, लेकिन जब सांस चली जाती है तब समझ में आता है। आप ये सोचते होंगे स्वच्छ भारत कार्यक्रम में हर बार आपसे मिलने हम आते हैं तो यही कहते हैं, साफ सफाई का ख्याल रखिए, हाथ धोइए नियम से, खाने से पहले विशेषकर शौच के बाद भी, और गंदगी ना फैलाएं आप, यही सब बातें आपसे करते हैं। तो ये क्या बड़ी बातें हैं, ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, रोज़मर्रा की बातें हैं। लेकिन हम ये भूल जा रहे हैं बार बार कि ये रोज़मर्रा की छोटी छोटी बातें जिनका हम ख्याल नहीं रख रहे हैं, ये हमारे बच्चों के लिए, हमारे घर परिवार के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे देश के लिए और देश के विकास के लिए कितनी नुकसानदेह साबित हो रही हैं, क्योंकि हम इनकी चिंता नहीं कर रहे हैं। तो हमें सजग होना इन सबको लेकर, यही बात आपसे कहते आ रहे हैं, कहते रहेंगे जब तक कि हमारा ये मिशन, ये अभियान जो है ये पूरा नहीं हो जाता। आज के कार्यक्रम में भी यही होगा। पहले आपको लेकर चलेंगे राजस्थान के टोंक ज़िला, वहाँ के बारे में समझेंगे स्वच्छता को लेकर वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं। जो राजस्थान सरकार में मंत्री हैं किरण महेश्वरी जी, उनसे वहाँ की गतिविधियों के बारे में जानेंगे कि अगर राजस्थान राज्य की बात करें तो वहाँ क्या कुछ चल रहा है। साथ ही चलेंगे झारखंड के लाबेद गांव, वहाँ भी जाकर समझेंगे कि स्वच्छता को लेकर वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं। और एक बात हमेशा आपसे हम कहते हैं कि गीत संगीत जो है ना, वो एक ऐसा वसीला है, एक ऐसा माध्यम है जिससे बात सीधी मन के अंतस को छू जाती है। तो आज भी कोशिश करेंगे ऐसा गीत आपको हम सुनवाएं जिसका आनंद आप उठा पाएं। लेकिन शुरुआत करते हैं राजस्थान के टोंक ज़िले के सोडा गांव से और देखते हैं वहां पर लोग क्या कर रहे हैं। साफ रहे तन तो पावन रहे मन, ये उतनी ही पुरानी कहावत है जितनी पुरानी ये हकीकत कि बीमारियां गंदगी में ही पलती हैं। राजस्थान की ग्रामीण जनता ये समझने लगी है कि जहां भी गंदगी दिखे वहीं भिड़ जाना होगा, उसे जब तक दूर नहीं किया जाए चैन नहीं पड़ना चाहिए। और यही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प। इसके बहुत सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। ऐसा ही एक गांव है सोडा, टोंक जिले की मालपुरा तहसील का एक ऐसा गांव जो मिसाल बन गया है। यहाँ के 90% घरों में शौचालय हैं और लोगों का संकल्प है कि बाकी के 10% आंकड़े को भी साल भर में प्राप्त कर लिया जाएगा। संकल्प यथार्थ में बदलने के पीछे गांव की सरकार का भी बड़ा हाथ है। यहाँ की सरपंच हैं छवि राजावत। सबसे ज्यादा परेशानी हमने ये देखा था स्वास्थ्य की थी, और हमने ये जो सर्वे किया उससे यही हमें पता पड़ा कि खराब पानी और खुले में शौच जाने की वजह से कम 70% स्वास्थ्य के इश्यूज इसी वजह से थे। इसलिए हमारा फोकस पानी और शौचालय बनाने पे ही रहा है। हमारे गांव में आज की तारीख में करीब 900 मकान हैं जिसमें से 800 शौचालय बन चुके हैं, और बाकी जो बचे हैं उनमें भी अभी काम चल रहा है जोर शोर से। बुजुर्ग वो दौर याद कर अब भी सहम से जाते हैं जब तालाब के किनारे किनारे मलमूत्र के ढेर पड़े रहते थे। सबसे ज़्यादा औरतों को इतनी समस्या होती थी कि आज भी कोई अगर औरत बाहर जाती है उस वक्त अगर आदमी मर्द उधर से आता है तब उसकी स्थिति अदबीच के अंदर वो खड़ी होती है, वो शर्माती है। जब तक वो आदमी उसको 15 मिनट या 20 मिनट नहीं निकलेगा जब तक वो औरत खड़ी रहती है। फिर दुर्गंध ऐसी रहेगी कि कोई आदमी उस रास्ते में से, जब बरसात के दिनों में से हम इधर से वहाँ तक गाय भैंस या हमारे खेत पे जाते थे तो कम से कम आधा किलोमीटर के रास्ते के दोनों तरफ इतनी मल पड़ा रहता था, वो कोई जगह नहीं मिलती है और बाहर आकर के लेटरिंग करते थे। ऐसी स्थिति में, ऐसी दयनीय स्थिति थी
कि जिसको देख नहीं सकते, जो इस जगह अपन आज खड़े हैं, हम सब आज जो यहाँ ये मीडिया है, इस जगह के ऊपर मैं कह रहा हूँ कि इसी जगह आकर के कुछ आदमी अपने अपने जगह जगह जी अपने एक परमानेंटली बैठने का, एक निमटने का जो जगह बना रखी है, ऐसी जगह थी ये जो जगह आज जो जहाँ साफ सफाई बहुत बढ़िया। पहले तो हमारे सोचे वाले नहीं बने थे गाँव के अंदर, ये सब गंदी वाड़ा रहते, हर मोहल्ले में किधर भी जाती थी वो तो गंदर वाड़ा, वो बीमारी फैलती थी। अब 80% लोग तो हमारे शौचालय बना लिए, 80-90%, और बाकी बचे एक साल के अंदर वो पूरे हो जाएंगे, जिससे क्या गांव के अंदर बीमारी नहीं फैले और कुछ नहीं हो। आज यहाँ के अधिकतर घरों में शौचालय हैं, कुछ घरों में निर्माण चल रहा है, जहाँ नहीं है वहाँ भी निर्माण की योजना बना ली गई है। इस व्यवस्था से खासकर महिलाओं को और बुजुर्गों को बड़ी राहत मिली है। यहाँ की महिलाओं ने वो दौर भी देखा है जब या तो मुंह अंधेरे भागना पड़ता था या फिर सारे दिन इंतजार करना पड़ता था रात के सन्नाटे का। बरसात में तो बहुत ही बुरी हालत होती थी, जैसे बाहर रोड पे जाते थे तो एक एक घंटे एक डेढ़ घंटे देखते रहते थे, भाई उजाले में बैठ नहीं सकते, भाई कोई आ रहे हैं कोई जा रहे हैं, तो ऐसे परेशानी थी। और अब घर में बन गया तो झटके खोल के अपना आप बैठ गए तो परेशानी हट गई, दूर हो गई। वास्तव में स्वच्छता या खुले में शौच का खात्मा सिर्फ अभियान नहीं है, ये तो संस्कार है और भारत की पतित पावनी भूमि में इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। दास्तां और अशिक्षा का दौर बीत चुका है, तभी तो सोडा गांव की किसी महिला को अब गरिमा से समझौता नहीं करना पड़ता। ऐसे जल्दी उठना पड़ता था, बोला अंधेरे में बोला दूर जाने से टाइम भी ज़्यादा लगता था, आधा पौन घंटा जाने में लग जाता था, और फिर दिक्कत रहती थी अगर उजाला हो जाता तो जा नहीं पाते थे इसलिए, और फिर नहीं तो अगर उजाला हो जाता तो शाम का वेट करना पड़ता था, बोला फिर शाम को लेट तक जाएंगे, और उजाले में और बाहर जाने से बीमारियाँ भी होती हैं और आसपास का वातावरण भी गंदा होता है। और अब जब शौचालय बन गया तो उसमें क्या बोलते हैं, अब इतनी दिक्कत भी नहीं उठानी पड़ती, जब उठते हैं अगर लेट उठो तो लेट जा सकते हैं और जल्दी उठो तो जल्दी जा सकते हैं, वेट नहीं करना पड़ता। छवि राजावत के गाँव की छवि कुछ अलग ही है। सड़क मार्ग से जयपुर और टोंक से सीधे जुड़े सोडा की गलियां बेहद साफ सुथरी नजर आई। हर घर के बाहर पक्की नाली का निर्माण, तभी तो अच्छे खासे तालाब के किनारे किनारे बसे इस गांव में कीचड़ का कहीं नामो निशान नहीं। आत्मसम्मान और अपनी लाज सबको प्यारी होती है, और ये हर व्यक्ति का, चाहे वो पुरुष हो महिला हो बच्चा हो बच्ची हो, वो हर व्यक्ति का हक है। और अगर किसी व्यक्ति को खुले में शौच जाना हो तो वो अपने आप में उस व्यक्ति का एक तरह से सम्मान नहीं हो रहा है, उसकी लाज खुले में सबके सामने दिखने को मिल रही है। तो ज़रूरत है कि शौचालय खुद की लाज रखने के लिए, खुद का आत्मसम्मान रखने के लिए शौचालय बनाने बहुत ही अनिवार्य हैं। साथ में स्वास्थ्य के लिए भी, हम सबको पता है कि बाहर शौच अपन करते हैं तो वहाँ पे मक्खियाँ हैं, लोग चलते फिरते हैं खेतों में और वही पैरों से अपने घर में आते हैं, वही मक्खी जो शौच है उस पर घूमते फिरते और आपके खाने पे बैठती है, तो उससे जो कीटाणु आपके पेट में जाते हैं वो आपके खुद के लिए खराब हैं। तो ये सब चीज़ों पे लोगों को सोचना चाहिए है। ये सोडा का ऐतिहासिक तालाब आज कितना निर्मल है, किनारों पर गंदगी का नामो निशान नहीं। भोले भाले ग्रामीणों का प्यारा तालाब जिसके साथ जुड़ी हैं उनकी स्मृतियां। नीचे काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो, एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं और दूसरी तरफ उसे खुले में, इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर, जहाँ सोच वहाँ शौचालय।
तो देखा हमने राजस्थान के सोडा गांव में किस तरह से ग्रामवासी जो हैं वो खुद भी जागरूक हो रहे हैं और वो चेतना और लोगों तक भी फैला रहे हैं। ये आशा करते हैं कि आप भी इसे ज़रूर समझेंगे। फिलहाल चूंकि बात चल रही है राजस्थान की, तो हमने बात की राजस्थान सरकार में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं भूजल मंत्री किरण माहेश्वरी जी से और उनसे जाना कि राजस्थान में अब तक की अगर बात करें तो स्वच्छता को लेकर, स्वच्छता मिशन को लेकर क्या कुछ प्रयास किए जा चुके हैं और आने वाले दिनों के लिए उनकी क्या योजनाएँ हैं। कि पानी का एक बहुत बड़ा चैलेंज राजस्थान के सामने है, क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है, पूरे देश की जो जनसंख्या है उसकी करीब 5.5% है, और जो पानी की उपलब्धता को हम लोग देखते हैं तो वो चाहे वो सरफेस वाटर हो चाहे वो भूजल का हो, दोनों के अंदर ही हम लोगों का लगभग 1.2% ही जो टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है देश का वो राजस्थान में उपलब्ध है। इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी योजनाएँ बनाई है। राज्य सरकार ने करीब 27,000 करोड़ की योजनाएं हमारी अभी वर्तमान में चल रही है, जो सरफेस वाटर से हम लोग पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं गाँव में। और इसी तरीके से हमने एक ड्रिंकिंग वाटर ग्रिड बनाया है, जिस ड्रिंकिंग वाटर ग्रिड का है जहां जहां पर भी पानी की उपलब्धता है वहां से पानी को लेकर और दूसरे एरिया जहां पानी बिल्कुल नहीं है वहां तक ले जाने के लिए उस तरीके की एक ग्रिड का फॉर्मेशन किया है। राजस्थान के केवल जो 295 ब्लॉक्स हैं उसमें से मात्र 25 ब्लॉक ही सुरक्षित रहे हैं, बाकी सभी डार्क जोन के अंदर आ गए, यानी सभी का भूजल इतना ज़्यादा गिरता जा रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर ये वाटर कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बारे में राजस्थान सरकार पूरी तरीके से सजग है। हर साल 1,000 RO राजस्थान के अंदर लगाना तय किया है, लेकिन इसमें हम पब्लिक पार्टिसिपेशन ले रहे हैं और 1,000 सरकार अपनी तरफ से लगा रही है और उसमें 1,000 हम पब्लिक पार्टिसिपेशन से भी लगवा रहे हैं। तो इस तरीके से RO प्लांट लगा के शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, डीफ्लोरिडेशन के प्लांट लगा के शुद्ध जल उपलब्ध कराना, ये हम पब्लिक पार्टिसिपेशन के माध्यम से ले रहे हैं। गांव के अंदर भी जो स्वच्छता अभियान है उसको हम लोग इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि गांव के ही सफाई कर्मचारी को रख के और वो सफाई अभियान शुरू हो रहा है, जिसमें जनप्रतिनिधि भी अपना हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें गांव के लोग भी अपना हिस्सा सुनिश्चित कर रहे हैं और गाँव के अंदर भी सफाई अभियान बहुत ही ज़ोरों से चल रहा है। स्वच्छ भारत के अंदर जब हम लोग इस मिशन को साथ में जोड़ लेते हैं तो कम से कम गर्ल्स स्कूल, वैसे तो हर स्कूल के अंदर टॉयलेट फैसिलिटीज़ होनी ही चाहिए, लेकिन जो गर्ल्स स्कूल्स हैं वहाँ तो कम से कम होनी ही चाहिए। और इसलिए जो सरकारी विद्यालय हैं, जो बच्चियों की छात्राओं के जो सरकारी विद्यालय हैं, उसमें हम लोग कटिबद्ध हैं कि हमने पेयजल के पानी की टंकियाँ और कनेक्शंस देना और साथ साथ टॉयलेट्स बनाना बच्चियों के लिए। तो ये हम लोगों ने किया है राजस्थान के अंदर, जहाँ पर हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश दे रखा है कि सभी लड़कियों के स्कूल्स के अंदर टॉयलेट्स तो होने ही चाहिए। तो ये स्वच्छ भारत का ही एक अंग है जो हमारे यहाँ पे लागू हो रहा है। तो ये तो रही बातचीत हमारी किरण माहेश्वरी जी से, जो कि राजस्थान सरकार में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं भूजल मंत्री हैं। अब राजस्थान से आगे चलते हैं और जानते हैं, अगर बात करें झारखंड की, तो वहाँ के लाबेद गांव में किस तरह का काम चल रहा है, ग्रामवासी जो हैं स्वच्छता को लेकर क्या कुछ प्रयास कर रहे हैं। आज सरकार की कई योजनाएं संपूर्ण स्वच्छता को लेकर चलाई जा रही है। इसके द्वारा शहर से लेकर गांव कस्बों तक के लोगों के बीच साफ सफाई का अलग जगाया जा रहा है, उन्हें स्वच्छता के हर एक अच्छाई से वाकिफ कराने का काम किया जा रहा है। गांव कस्बों को पूरी तरह से रोग मुक्त बनाने के लिए शौचालयों से लेकर सभी तरह के दैनिक नित्य क्रम कार्यों के उपयोग के संसाधनों पर सरकारी खर्च पर निर्माण कराया जाता है। आज इन्हीं योजनाओं के बलबूते भारत के गाँव कस्बों में व्यापक स्तर पर बदलाव देखने को मिल रहा है। हमारे झारखंड प्रदेश का एक गांव ऐसे ही स्वच्छता की मिसाल कायम कर रहा है। यह है झारखंड का लाबेद ग्राम। लाबेद ग्राम रांची जिला के नगड़ी प्रखंड के अंतर्गत आता है। इस गांव द्वारा अब संपूर्ण स्वच्छता को अपना लिया गया है। आज इस गांव में पूरी तरह से खुले में शौच का खात्मा हो चुका है, घर घर में शौचालय बना हुआ है और ग्रामीण साफ सफाई को लेकर पूरी तरह से सजग रहते हैं। हमने काफी मेहनत किया है इस पर, काफी मेहनत के बाद में यूनिसेफ के साथ में ये उनके साथ एक मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने हमें 20 शौचालय बनाने के लिए फर्स्ट में रिवॉल्वर फंड के रूप में 1,00,000 रुपए दिए। और जब हम वो 20 शौचालय बनाए उसके बाद फिर और ज़्यादा बनाने के लिए आया फंड, खास करके बरसात के दिन में जैसे खेती बाड़ी इलाका है तो जगह नहीं मिलता था, तो जगह की भी काफ़ी दिक्कत होता था और अभी तो वो लोग अपना घर में ही शौच करते हैं। यहाँ लगभग 165 घर हैं जिसमें हमने 141 घरों में शौचालय बनवा दिया है जो पूर्ण रूप से तैयार है। बच्चे कुछ घरों में
निर्माण का कार्य चल रहा है, जल्द ही वो पूरा कर लिया जाएगा। इस गांव का वातावरण आज पूरी तरह से स्वच्छ और निर्मल बन चुका है और शायद यही कारण है इस गांव की स्वच्छता से अभिभूत नगरी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी भी अपनी खुशी को जाहिर करते हुए इस गांव की तारीफ करे बिना नहीं रह पाते हैं। आज लाभेद ग्राम जो है कहा जाए शौच मुक्त हो गया है, सभी के घरों में शौचालय उपलब्ध है। जल सहियाओं के योगदान को भी नकारा नहीं जा सकता, शायद यही कारण है कि आज यहाँ कार्यरत जल सहियाएं इस गांव जैसी स्वच्छता को अन्य गांव कस्बों तक में फैलाना चाहती है। जरूरत है समय रहते हम इस गांव के नागरिकों की तरह ही जागरूक बने। रश्मि है? हाँ? मुन्नू का मल है भाभी, फेंक रही हूँ। बहू इसमें क्या बड़ी बात है? तो बाबूजी ने जो घर में शौचालय बनवाया है उसका क्या फायदा? मुन्नू का ही तो मल है, इसमें क्या बड़ी बात है? वैसे भी बच्चों के मल में कोई कीटाणु नहीं होते। अरे रुको, इसके कीटाणु भी बीमारी का कारण बन सकते हैं। अम्मा, डॉक्टर ने कहा है कि मुन्ने की उल्टियाँ और दस्त जानलेवा भी हो सकती है और ये दोनों ही बीमारियाँ खुले में शौच के होने से फैलती हैं। क्या बड़ी बात, क्या? बच्चे की मल हमेशा शौचालय में ही डालें। अगर घर में शौचालय अब तक ना बना हो तो गड्ढे में डालकर मिट्टी डाल दें। क्योंकि ये बड़ी बात है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। और अब स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आपको हम बताएंगे इंडिया वॉश समिट के बारे में, जो पिछले दिनों दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित किया गया। इस समिट की सबसे खास बात ये रही कि इसमें न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर के बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी बहुत से विशेषज्ञ जो हैं वो शामिल हुए और उन सब ने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर संगोष्ठियाँ की, बातचीत के क्रम चले और ये समझने का प्रयास किया कि स्वच्छता जो है वो हमारे लिए ज़रूरी तो है लेकिन इसको लेकर किस तरह की और कोशिशें की जा सकती हैं ताकि हर व्यक्ति इसके महत्व को समझे और इसके लिए वो क्या योगदान कर सकता है ये भी जरूर इसमें जोड़ा जा सके। आइए देखते हैं। आधुनिक भारत में स्वच्छता एक शब्द न रहकर एक मुहिम बन गया है। इसी के तहत नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में इंडिया वॉश समिट का आयोजन हुआ। इस संगोष्ठी का लक्ष्य भारत में पेयजल, शौचालय और साफ सफाई से जुड़ी समस्याओं को समाप्त करना है। I would like to highlight the magnitude of the problem, citing some figures. As per 2011 census, only 32.6% of our rural population had access to toilets, which has increased to around 40% according to the NSSO survey of 2012. However, 60% of our rural population is still defecating in the open. All states and union territories conducted a basic line survey on rural sanitation in 2013, which revealed that are around 18 crore rural households, over 11 crore do not have access to toilets. I am of this opinion, even if the entire, 18 crore have the access of toilet, of all the 18 crore households, there is still a question mark, and the question mark is whether those are functional, operational. This is what you are to find out. Swachh Bharat Mission aims at attaining an open defecation free India by 2nd October 2019 by providing access to toilet facilities to all rural households. स्वच्छता एवं पेयजल मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने स्थानीय स्तर पर स्वच्छता आइकॉन बनाने की आवश्यकता को अहम बताया। The real problem today, to my mind, is creating champions, local champions in the districts and the blocks and the panchayats, who can mobilize communities. It's not the problem of resources at the, from the government of India as a person who leads this program. I don't see resources as a big problem. So my expectation from the summit is how do we scale up
creation of a large number of champions who would actually try and motivate communities and bring in this behavior change. We, in our little ways, we have thought that the district is the key, and over the next 5 or 6 months, what we are trying to do is bring in all the collectors from all the districts of the country, try and sit with them for 2 days intensely and try to orient all of them to participate in this massive task. We hope that the leadership that the collectors provide in the respective districts would perhaps help us move a little faster. 2019 तक संपूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को तभी हासिल किया जा सकता है जब हम खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करने में सफल होंगे. Today 600 million people are open defecating, are going for open defecation, 3 times the population of the entire country which then existed when Gandhiji said those words about sanitation are going for open defecation today. So that is the size of the problem, and therefore the criticality is even more acute, as I would like to point out. Every day 1,000 children under 5 years die. Every day 5,000 children are dying under 5 years in India due to lack of sanitation. 4.5 lakh people die due to sanitation related illness. But I think this points to the fact that the health sector contributes to the criticality of sanitation more than anything else. इस समिट में शारीरिक और मानसिक रूप से जुड़ी चुनौतियों पर भी चर्चा हुई. A blind woman is unable to use the community toilet as the path leading to it is uneven and slushy. She restricts her daily intake of water and food, waits until evening for a member of the family to assist and accompany her to the bush. Or of a young person with disability who is unable to sustain her job in a retail outlet as she has to climb a flight of steps to reach the washroom. The indignity of a woman with impairment who is routinely faced with no access to clean materials, water and safe disposal facilities for menstrual hygiene and management. इस तरह के समिट नए विचारों के सहारे स्वच्छता संबंधित गतिविधियों को गति देने में बेहद अहम साबित होते हैं. तो हमने जाना कि समिट में क्या कुछ हुआ और किस तरह से लोगों ने ये बात कही कि स्वच्छता जो है सबके लिए जरूरी है और सबको इसके लिए प्रयास करने ही होंगे. अब थोड़ा सा हम बात करते हैं गीत संगीत की, क्योंकि हमेशा हम आपसे कहते हैं कि ये वो माध्यम है, ये वो वसीला है जो सीधा आपके दिल तक पहुंचता है और दूर तक असर करता है. तो आइए आनंद उठाते हैं इस गीत का. घर में शौचालय के गुण हैं बड़े
साथियों, जैसा कि आज कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि छोटी छोटी चीज़ों को दरकिनार मत कीजिए, ये मामूली चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं अगर इनका ख्याल आप नहीं रखेंगे तो। आशा यही करते हैं कि हमारी बात आप तक पहुंच रही है, आप ना सिर्फ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बल्कि मान रहे हैं और लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं। तो इसी आशा के साथ आज के अंक में आपसे लेते हैं इजाज़त, लेकिन जाने से पहले आपको अपना पता बता दें। स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन फेज 2, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। ये वो पता है जहां पर आप हमें बता सकते हैं कार्यक्रम के बारे में, अगर कुछ कहना चाहते हैं तो प्रतिक्रिया भेज सकते हैं, अपने क्षेत्र में जो कुछ काम हो रहा है साफ सफाई को लेकर उसके बारे में बताना चाहते हैं तो भी हमें लिख सकते हैं, और अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस है sp@ddkdelhi.org.in। और इसके अलावा अगर आप हमारे कार्यक्रम के कोई अंक, कोई एपिसोड देखना चाहते हैं दोबारा, तो YouTube पे जाके आप वो भी देख सकते हैं। तो अगली मुलाकात तक के लिए कहती है तपस्या नमस्कार।